देखो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर करने वाले हैं दैट इज इन्फ्लेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इन्फ्लेशन है क्या इन्फ्लेशन का मतलब होता है इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इन द इकॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम मतलब मतलब एक साल मान लो मान लो फर्स्ट अप्रैल दो से दो हजार चौबीस मार्च तक मान लो ये फाइनेंशियल ईयर है ठीक है इंडिया में फाइनेंशियल ईयर रही है तो इसमें अगर कोई भी गुड्स सर्विसेज का दाम जनरली बढ़े वो पांच परसेंट छ परसेंट सात परसेंट कोई भी चीज का दाम बढ़े तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं ठीक है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है सबसे पहले रेट वाइज इन्फ्लेशन समझो उसके बाद हम लोग कॉज वाइज इन्फ्लेशन समझेंगे तो रेट वाइज इन्फ्लेशन में चार चीजें हैं क्या क्रिपिंग इन्फ्लेशन ये क्या होता है सबसे माइल्ड फॉर्म होता है इन्फ्लेशन का सबसे माइल्ड फॉर्म है रेंज क्या होता है टू से फोर परसेंट

रनिंग और गैलोपिंग मतलब पहले तो वॉकिंग कर रहे थे फिर गैलोपिंग हो गया भैया तो एकदम तुम फास्ट दौड़ रहे रहे हो रन कर इन दिस द बिजनेस एंड सैलरी डू नॉट मीट अप कॉस्ट ऑफ प्राइसेस जितना बढ़ रहा है उतना आपका सैलरी नहीं मीटअप कर रहा है तो इन्वेस्टर इग्नोर दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी कहीं पर अगर गैलोपिंग इन्फ्लेशन है तो इन्वेस्टर्स वहां पे जाके इन्वेस्ट नहीं करते हैं और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होगा इट इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन इन मोर देन फिफ्टी परसेंट से अगर हो जाए तो उसको आपको हाइपर इन्फ्लेशन होगा न्यू करेंसी शुड बी टू टैकल दिस इन्फ्लेशन अगर इतना चला जाए तो आपको करेंसी लाना पड़ेगा ठीक है तो ये आपको पूछ लेगा डायरेक्टली हाइपर इन्फ्लेशन क्या है गैलोपिन इन्फ्लेशन क्या है कॉज वाइज इन्फ्लेशन अगर बात करें कारण वाइज ये पहले क्या था दिस इज रेट वाइज अगर कारण वाइज देखे तो डिमांड पुल कॉस्ट पुलिस स्ट्रक्चरल ये तीन इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले देखो डिमांड

इट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स इन इम्पोर्ट प्राइसेस कभी कभी होता है टैक्सेस बढ़ गया जीएसटी बढ़ा दिया या इम्पोर्ट प्राइस बढ़ गया उसके लिए भी कॉस्ट फूस इन्फ्लेशन हो सकता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन किस लिए होता है इट इज कॉज ड्यू टू लेस प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर इनिफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है बहुत सारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है मतलब आपने प्रोड्यूस किया लेकिन उसको बेचने के लिए आपको वेयर हाउस नहीं है रखने के लिए अच्छा मंडी नहीं है ये सब दिस डिफिशी कॉज शॉर्टेज विच कॉस इन्फ्लेशन ये डिफिशियंस के लिए शॉर्टेज हो जाता है उसके लिए आपका इन्फ्लेशन हो जाता है तीन कॉस्ट वाइज इन्फ्लेशन है मेथड करोगे इन्फ्लेशन मेथड्स करने के लिए मेजर करने के लिए देखिए क्या क्या, -क्या मेथड है होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जीडीपी डिफ्लेटर या इम्प्लिस प्राइस डिफ्लेटर से भी हम लोग कर सकते हैं या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई से भी हम लोग कर सकते हैं तो एक एक डिटेल में हम लोग समझेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है बेसिकली इट मेजर द चेंज इन होलसेल प्राइस ऑन मंथली बेसिस हर महीना आपका कितना चेंज हो रहा है मंथली बेसिस वो देखता है फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ये 1942 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इट टेक्स द फैक्टर प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ये क्या लेता है ये फैक्टर प्राइस लेता है टैक्सेस को नहीं इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए बेस ईयर क्या है 11-12 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है ये चेंज इन रिटेल प्राइस ऑफ द कमोडिटी ओवर मंथली बेसिस यहाँ पे होलसेल प्राइस यहाँ पे रिटेल प्राइस इट हैज टू होमोजेनस ग्रुप रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड दो चीज देखते हैं एक रूरल को देख रहे हैं अर्बन को देख रहे हैं इसका बेस ईयर दो हजार बारह है सीपीआई इज बेटर देन क्यों बेटर है आप देख रहे हो रिटेल हाउस होल्ड ग्रामीण शहर सबको आप इंट्रोड्यूस इंक्लूड बेटर रहता है किसका जीडीपी एट करेंट प्राइस एंड कॉन्स्टेंट प्राइस जीडीपी को करेंट प्राइस में लोगे जीडीपी को कॉन्स्टेंट प्राइस में लोगे, वो हो जाता है जिससे जीडीपी एस करेंट प्राइस नीचे में कॉन्स्टेंट प्राइस रखोग्रेड से मल्टीप्लाई करोगे इफ इट इज वन

इसका जो है इनवर्स रिलेशनशिप होगा ठीक है मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन फिजिकल मेजर्स होता है और मॉनिटरी मेजर्स दो मेजर्स हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी है तीन मेजर्स हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन चेक इन्फ्लेशन को कैसे तुम ठीक कर सकते हो उसका कैसे कर सकते हो सबसे पहले फिजिकल मेजर्स देखो द सेंट्रल गवर्नमेंट यूजेस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन ये कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है टू मेन कॉम्पोनेट उनके पास है एक तो गवर्नमेंट रेवेन्यू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या होता है गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कैसे कर सकते हैं जैसे प्राइवेट स्पेंडिंग कम कर दिया उन्होंने नॉन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर देना अवॉइडिंग फाइनेंसिंग नहीं करना जो भी फाइनेंसिंग डिफिजिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप ठीक है अब मान लो ये तुम्हारा एक सौ है एक सौ बीस है तो ये जो बीस रुपया तुम्हारा ज्यादा खर्चा हो रहा है इसका फाइनेंसिंग करना ये अवॉइड कर देता है सरकार कभी कभी मॉनिटरी मेजर्स कौन लेता है ये आरबीआई लेता है इसमें दो होता है क्वांटिटी एंड क्वालिटिटी क्वांटिटी में क्या होता है सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू ओपन मार्केट ऑपरेशन तो ये भी क्वेश्चन आता है सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन करता है आरबीआई uh, करता है कहां पे करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं इसको इंक्रीजिंग सीआरआर एसएलआर बैंक रेट रेट सीआरआरआर रेट ये अगर बढ़ा देता है तो क्वालिटी मेजर्स क्या है मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दे या मोरल परसुएशन कर दे तो इसके लिए भी आपको हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या होता है जैसे ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग बंद कर दे मतलब सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव वे में क्या कर सकती है

रिफ्लेशन क्या होता है शो दैट इन्फ्लेशन रिटर्न आफ्टर स्पेल ऑफ डिफ्लेशन मतलब क्या होता है मान लो आपका बढ़ रहा था इन्फ्लेशन बढ़ रहा है रहा। फिर आपका डिफ्लेशन हो रहा था गिर रहा है फिर रिफ्लेशन हो रहा है फिर बढ़ रहा है uh, क्या होता है इट होल्स डिफ्लेशन इन सम्मोडिटी एंड इन्फ्लेशन इन समी इसमें क्या होता है कुछ कॉमोडिटी में आपका दाम गिरेगा डिफ्लेशन होगा कुछ कॉमोडिटी में आपका इन्फ्लेशन होगा ठीक है तो एकदम जिस्ट में था कैसा लगा वीडियो जरूर बताना थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय